वेलकम टू माय चैनल शॉपोली ऑन बजट। आज का वीडियो होने वाला है रिव्यू, और उसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यूट्रोजिना डीप क्लीन फेस क्लेंजर। हम बात करने वाले हैं व्हाट इट क्लेम्स इंग्रेडिएंट लिस्ट, इज इट रियली जेंटल, एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस यूजिंग दिस फेस वॉश। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। अगर आपने अमेज़ॉन हॉल मेरा देखा नहीं है तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ये मुझे 2 बॉटल्स आई थी, क्योंकि अमेज़ॉन पे एक सिंगल पीस नहीं आता है, तो 2 आ गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2 आने वाली हैं। तो मैंने दोनों भी यूज़ करके फिर मैं रिव्यू देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इट क्लेम से। ये न्यूट्रोजिना डीप क्लीन फेशियल क्लेंजर है, एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। और ये कहता है कि अ पेनिट्रेटिंग एंड अ थरो क्लेंजर दैट इम्प्रूव्स योर कॉम्प्लेक्शन। ये 50 ml ऑफ प्रोडक्ट है। It says it cleans so deeply and thoroughly that it improves the look and feel of skin. तो 50 ml की 2 बॉटल्स मैंने यूज़ किए हैं, मतलब टोटल 100 ml। अब बात करते हैं इन्ग्रीडियंट लिस्ट की। इन्ग्रीडियंट लिस्ट इस बॉटल के पीछे तो नहीं लिखा हुआ था। जनरली हर एक प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन होती है, चाहे वो फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट हो या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इंग्रेडिएंट लिस्ट ढूंढने में, मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन एटलीस्ट प्रोडक्ट पे लिख के तो आना चाहिए था। इनकी बिग बॉटल जो होती है 200 ml की, उस पर मेंशन है इंग्रेडिएंट लिस्ट, लेकिन इस बॉटल पे बिल्कुल नहीं है। मैं ये फेस वॉश ख़रीदने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने चेक की थी किसी रिव्यू साइट पे जाके, जहाँ पे रिव्यूज़ होती इंग्रेडिएंट लिस्ट की, उस वेबसाइट पे गई थी। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो गलत इंग्रेडिएंट लिस्ट है। और ये जो लिस्ट मैंने स्क्रीन पे दी है, ये नायका के वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट है। दिस इज़ फ्रॉम द इंटरनेट, जो कि नायका से बहुत सिमिलर है। फिर मैंने न्यूट्रोजिना की साइट पे जाके चेक किया इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट, तो ये भी इंटरनेट और नायका से सिमिलर थी। लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट की बिग बॉटल के रिव्यूज़ में जाके फ़ोटो चेक की, तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अलग थी। इसमें सोडियम लॉरिएट था, ग्लिसरीन था, बहुत ही अलग इंग्रेडिएंट लिस्ट है। ये वेरी क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। और ये प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से जाए तो इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, इज़ इट रियली जेंटल और नॉट। तो जेंटल फेस वॉश है या नहीं, ये हमको pH टेस्ट से पता चलता है, मतलब लिटमस पेपर से जब हम चेक करते हैं। एंड इस फेस वॉश का pH है 5.5। ये मैंने समाप्ति के चैनल पे देखा था, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक दे दूँगी। और अकॉर्डिंग टू इट, इट इज़ अ जेंटल फेस वॉश। और बात करते हैं हमारे एक्सपीरियंस की। तो मैंने ये इन विद इन 1 month यूज़ किया था 2 बॉटल्स, तो उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। एक जेंटल फेस वॉश है और एक ऐसा लिक्विड ही है, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा थिन भी नहीं है। इट्स अ लोशन काइंड ऑफ अ क्लेंजर, और इट डजेंट फोम, मतलब ये इतना फोम नहीं देता है जैसे कि बाकी के फेस वॉशेस देते हैं, लेकिन इट डज अ डिसेंट जॉब। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपको सूट करेगा। इन माय केस मुझे इतना सूट नहीं हुआ, मतलब इसमें सैल्सिलिक एसिड है, तो मुझे लगा था कि जो अवीनो लगा के मेरी स्किन थोड़ी इरिटेट हो गई थी वो थोड़ी काम डाउन होगी, लेकिन मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ये मुझे कोई ऐसे और पिंपल्स नहीं दिया, लेकिन जो मेरी ऑलरेडी इरिटेटेड स्किन थी उसको कुछ बेनिफिट भी नहीं किया। मुझे लगा था इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट थोड़ी बेनिफिट करेगी मेरे। और एक बात, ये फेस वॉश की क्वांटिटी आपको ज़्यादा अमाउंट में लगेगी, क्योंकि ये ज़्यादा फोम नहीं करता है, तो इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर फेस अमाउंट ऑफ फेस वॉश और क्लेंजर। एंड अगर आप मेकअप रिमूव करना चाहते हैं, तो आई रियली थिंक कि आपको डबल क्लेंस करना चाहिए इस फेस वॉश के साथ, क्योंकि इट विल नॉट इफेक्टिवली रिमूव ऑल द मेकअप। ये नॉर्मल मेकअप तो निकाल लेगा, लेकिन मस्कारा और काजल जो वाटरप्रूफ वगैरह होते हैं, उसके लिए आपको डबल क्लेंस करना पड़ेगा, और सनस्क्रीन भी। तो क्योंकि ये नॉर्मल डर्ट वगैरह तो निकाल देगा ये, मतलब वॉश करने से, लेकिन मेकअप इतना इफेक्टिवली नहीं निकाल पाएगा, आपको डबल क्लेंस करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल फेस वॉश है और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी काफ़ी अच्छी है। सैल्सिलिक एसिड है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी अच्छे हैं इसमें। और
दूसरी बात ये कि इट्स नॉट अ फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट, बट इट्स ओके बिकॉज इट्स अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेगरेंस की। मुझे इस फेस वॉश के माइनस पॉइंट से ही लगे कि ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर है फेस वॉश करने के लिए, और मेरी इरिटेटेड स्किन को कुछ बेनिफिट्स नहीं हुए इस फेस वॉश से। बस यही दो वजह है इस जिसके वजह से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करना डिसकंटिन्यू करूँगी, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड अनदर सम बेटर ऑप्शन फॉर फेस वॉश। सो या दिस वॉज माई रिव्यू ऑन न्यूट्रीजिना जनरल फेस क्लेंजर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।